फिल्म्स में हम यहूदा आप देख रहे हैं वो बॉलीवुड क्रेजीज। गुलाबो सिताबो फिल्म 12 जून 2020 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, वो भी अमेजोन प्राइम से प्राइम पर। और उसके बाद से सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि नॉर्मली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर थिएटर्स में रिलीज होती थी तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस आते थे, फिर हम ये देखते थे कि कितना प्रोडक्शन में कितना पैसा लगा, प्रमोशन में कितना लगा और कितना कलेक्शंस हुआ, उससे तामझाम करके जोड़ घटा के रिव्यूज को जांच पड़ताल करके हम ये पता कर लगाते थे कि फिल्म हिट है, एवरेज है, फ्लॉप है, ब्लॉकबस्टर है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। लेकिन इस बार तो लग गई, इस बार तो कुछ भी नहीं पता ब्रो, कुछ भी नहीं पता चला कि ये फिल्म का आखिर रिस्पॉन्स क्या आया। ना तो ये पता चला कि कितने बजट में बनी है और ना ही ये पता चला कि इसको किस तरह से रिस्पॉन्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मिले हैं। और एक तो चीज पक्की है, पूरा का पूरा जो माजरा है वो बदल गया है। अब तो बॉक्स ऑफिस इंडिया भी कोई वर्डिक्ट दे नहीं सकता है कि गुलाबो सिताबो हिट थी या फ्लॉप थी, है ना, ना कलेक्शन ना कुछ। तो यहाँ पर ऐसे माहौल में कैसे पता लगाया जाए कि फिल्म हिट हुई है या फ्लॉप हुई है, फायदा हुआ है नुकसान हुआ है। तो इस फिल्म में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, आज के टाइम में ओटीटी प्लेटफॉर्म का, ये है ऑडियंस का। रिव्यूज तो एक टाइम पे हमें इफेक्ट करते थे क्योंकि फ्राइडे को रिलीज होती थी फिल्म और बुधवार को तरन चाचा कैसे लोग रिव्यूज डाल देते थे, तो एक अलग ही हवा बनाई जाती थी। इसका तो वो भी नहीं कर सकते, एम्बार्गो लगा है। 12:01 पर या 12 बजे तरन चाचा ने 12 तारीख को ट्वीट किया था जून में, यानी कि किसी को कोई ऊपर नीचे बोलने का कोई हक नहीं, क्योंकि अगर नेगेटिव बोला किसी क्रिटिक ने तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्म को भी नुकसान होगा, राइट। तो इसीलिए एम्बार्गो भी लगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो पुराना जो वर्जन था हमें वर्डिक्ट पता लगाने का, वो पूरा चेंज हो गया। तो ऐसे में कैसे पता लगा है? ना तो व्यूज बता रहे कि कितने लोगों ने वीडियो देखा है वो मूवी का, यूट्यूब जैसे व्यूज आते हैं कितने वीडियो, इस वीडियो पे इतने व्यूज, ऐसा भी नहीं बताया गया है। ना तो ये पता चला, कुछ रेटिंग भी रखा नहीं है अमेजोन प्राइम पे कि मूवी के नीचे कुछ रेटिंग रखे कि 5 स्टार 4 स्टार ऐसा करके रखे ताकि ऑडियंस खुद टिक करे कि भाई इतना है उतना है। तो IMDb पे 6.5 स्टार की रेटिंग है और 71% की रोटेन टोमेटोज पे रेटिंग है, यानी कि एवरेज से थोड़ा बेहतर, जो मैंने खुद रिव्यू में मेरा कहा था और फर्स्ट क्लास फिल्म है, ओनली फर्स्ट क्लास बिकॉज फॉर अमिताभ बच्चन। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से ये फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए हिट है, बड़ी हिट है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए जो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आया है, एवरेज है। और कुल मिलाकर ओवरऑल वर्डिक देखे तो पूरी तरह फिल्म एवरेज रही है, यानी कि लग गया है अमेजोन प्राइम को कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूना। और ये चूना किसने लगाया है? हमारे मिर्जा भाई ने। मजाक कर रहा हूँ, मतलब प्रोड्यूसर वगैरह में जो भी है। यानी आप क्या रहे इस फिल्म को लेकर, आपके हिसाब से फिल्म हिट है या फ्लॉप है? मेरी सबसे भाई एवरेज है। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा।